मेरे परिवारजनों, आज राजस्थान में न दलित, पिछड़े और गरीब सुरक्षित है और ना ही हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर वन बना दिया है। कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है और शर्मनाक ये कि कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं? आपने सिर्फ राजस्थान की माताओं बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया है। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करे। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है और इसलिए कांग्रेस के राज में बहनों बेटियों की इतनी बुरी गत बनी गई है। अभी उदयपुर में ही कुछ दिन पहले ही दो बहनों की निर्मम हत्या की गई थी। इसके बाद यहां की एक और बेटी कांग्रेस के राज में अत्याचार की भेंट चढ़ गई है। अपनी गाय बकरियां चराकर पेट भरने वाली मेरी आदिवासी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे अपराधी सोच वाले लोगों को कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ावा मिला है, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया मर्दानगी का। इन पापियों को राजस्थान में कानून की स्थिति ये हो गई है कि अब बहन बेटियां अपने काम से खेत खलिहान जाने से भी डरने लगी है। आज राजस्थान में घर से बाहर निकलने के बाद कोई छात्रा सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं राजस्थान की माताओं बहनों बेटियों, आपका दर्द समझता हूं। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है?
माताओं बहनों को गौरव से जीने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान से भाजपा गुंडा राज और अपराध पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा राजस्थान के हर बेटी हर बहू को ये विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से निडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है।